सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू रथिन ब्लॉग्स। तो यार, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मोटोब्लॉग सेटअप हम अपना एडजस्ट कैसे करें, उसमें मोटोब्लॉग में बोलें क्या क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इन सब बातों पे आज हम बात करेंगे। कई लोग हैं वो अपना मोटोब्लॉग सेटअप ले लेते हैं, माइक ले लेंगे, माउंट, GoPro, एक्शन कैमरा, कुछ भी, मतलब सब ले लेंगे, बट उनको ये नहीं पता होगा कि उसमें बोलें क्या क्या बोलें, कहाँ पर जाएँ, कैसे उसको करें, उसको मतलब वीडियो कॉल में पेस दें, स्टार्ट करें। तो इस सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो चलिए यार, इस वीडियो में करते हैं स्टार्ट। तो हाँ यार, सबसे पहले ना इस वीडियो में रहेंगे कोई 4 से 5 पॉइंट्स, बिल्कुल मस्त पॉइंट्स होने वाले हैं। आप इनको करो, मतलब सुनोगे तो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके लिए सब। तो यार, सबसे पहले आती है बात कॉन्फिडेंस की, ठीक है। कई लोग होते हैं तो मोटोब्लॉग स्टार्ट ही नहीं कर पाते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, ठीक है। अब जैसे कि मैं ही समझ लो, लोग क्या सोचेंगे, मैंने जब स्टार्ट किया था लोग क्या सोचेंगे, साथ वाला क्या सोचेगा, मोहल्लेदार क्या सोचेंगे, अगर आप ये सब चीज़ों का सोचते रहेंगे ना तो आप कर ही नहीं पाओगे मोटोब्लॉग स्टार्ट। तो सबसे पहले तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस रखो ना अपने आप में। कैमरा को अपना एक दोस्त मान लो कि आप कैमरा से खुल के ऐसे पकड़ के कुछ भी अच्छे से बात कर सकते हो, ठीक है। ये एक आगे पहला पॉइंट। इस वीडियो में जो लास्ट पॉइंट होगा वो सबसे मस्त रहने वाला है, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, ठीक है। लास्ट पॉइंट एक साथ एक मैं टिप भी दूंगा जिससे आप अपना चैनल बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है कि स्क्रिप्ट, ठीक है, कि आप चैनल में ना एक जब वीडियो बनाने जाओ तो वो स्क्रिप्ट के साथ मत जाओ, ठीक है। जैसे कि मेरे पास इस वीडियो के लिए स्क्रिप्ट थी, मैंने ये वीडियो बनाई, मैंने स्क्रिप्ट रखी, क्योंकि इंडोर वीडियो मुझे पता है मुझे 5 पॉइंट्स बोलने हैं, 10 पॉइंट्स बोलने हैं, तो मैं ना उसमें एक अच्छी सी स्क्रिप्ट रखूँगा, ठीक है बोल के। बट आप मोटोब्लॉग एक आउटडोर एक्टिविटी है, जब भी आप उसको बोलने जाओगे तो आपको अगर स्क्रिप्ट के साथ जाओगे ना तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे, वहाँ पे सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा और लोग को देखना भी पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम एक आपको आएगी। तो प्लीज़ मोटोब्लॉग को ना एकदम नेचुरल रखो। कुछ होता है अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए वो दिखा दो, या कोई गिर गया, आपकी बाइक क्रैश होने वाली थी, या कुछ भी प्रॉब्लम होगी वो आप नेचुरली दिखाओ उस चीज़ को, ठीक है। उस चीज़ को ऐसे स्क्रिप्ट करके मत जाओ कि आपके फ्रेंड ने आपको टक्कर मार दी, वो एक बोरिंग सी चीज़ लगती है, उसका कोई फन नहीं होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, अपने जो माइक की क्वालिटी है ना उसको बहुत बेहतर रखो, क्योंकि माइक की क्वालिटी में लोग आपकी वीडियो तभी लोग तक पहुंच पाएगी अगर आपकी माइक की क्वालिटी अच्छी होगी। तो थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं कह रहा। माइक 300-400 का बहुत अच्छा माइक आया इसका, मैंने भी इस माइक यहाँ पे पहना हुआ स्मैशट्रॉनिक्स का, इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बहुत अच्छा माइक है ये, अब इसको बाय कर सकते हो। तो माइक की क्वालिटी ना एकदम पॉइंट पे रहनी चाहिए, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है मेरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका मोटोब्लॉग जो सेटअप है ना वो एकदम टिप टॉप रहना चाहिए। जब भी आप वीडियो से निकलते हो ना, वीडियो बनाने के लिए घर से निकलते हो, तो ना एक चीज़ का आप ध्यान रखो कि आपका जो माउंट है, माइक है, वो सब सेट रहना चाहिए। ये नहीं कि निकल के बाद में पता लग रहा है माइक नहीं चला, जैसे मेरे साथ होता है एज अ बिगनर, मैं भी कह रहा हूँ, मेरे साथ बहुत बार होता है, कभी मेरे माउंट का पोजीशन इधर उधर होती है, कभी माइक नहीं चलता, कभी कुछ नहीं, तो बहुत प्रॉब्लम आती है, जिस वजह से मैं कितनी वीडियो मेरे को वॉइस ओवर डालना पड़ता है, जिससे अच्छा भी नहीं लगता ऑब्वियसली वो, बट बन गया होता है, चलो वो खैर बात की बात है। तो अपने माउंट को एकदम सेटअप को एकदम सही से करो, बिल्कुल सेट करो। इसका मैं लिंक आपको ऊपर आई बटन में दे दूंगा कि आप अपना मोटोब्लॉग सेटअप कैसे एकदम सेट कर सकते हो, तो क्लिक क्लिक करके वो वीडियो देख लेना, बिल्कुल सही से मैंने बताया उसमें मोटोब्लॉग अपना सेटअप कैसे कर सकते हो, ठीक है। और हाँ यार, वीडियो का फर्स्ट पार्ट हो गया खत्म, तो यार वीडियो में प्लीज़ बने रहो, क्योंकि अभी जो बोनस टिप है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगा। तो यार, मैंने आपको पिछले पार्ट में बता दिया, इस वीडियो के पिछले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप मोटोब्लॉग सेटअप कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं अपना जर्नी मोटोब्लॉग की, क्या क्या ज़रूरतें आपको देखने पड़ेंगी, क्या क्या चीज़ों में खास ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपको इसमें ये बताना है कि आप ऑडियंस को दिखाएं क्या, उनको लेके कहाँ जाएं, क्या कंटेंट क्या रखें आप उसमें कि ऑडियंस वो चीज़ देखे, ठीक है ना। क्या इंटरेस्ट, आप कैसे उसको ऑडियंस को आप एक इंटरेस्ट दिखाएं अपनी वीडियोस में। तो यार, इसके लिए ना सबसे पहले तो एक पॉइंट ये बोलूँगा कि ना जितने आपके शहर में छोटे बाइकर ग्रुप्स हैं, क्रिएटर्स हैं, उनके साथ एक छोटा सा कोलैब करो, ठीक है। उनके साथ एक जर्नी अपनी स्टार्ट करो, जैसे कि मेरी बाइक है रॉयल एनफील्ड की, ठीक है, मेरे शोरूम का ही, जहाँ से मैंने बाइक लिया उन्हीं का एक ना 10-15 लोगों का एक अच्छा ग्रुप है, एक क्वालिटी ग्रुप है, जो लोग ना क्वालिटी कंटेंट बनाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उनका ग्रुप एक ज्वाइन करूँ। सबसे पहले तो वो एक बाइक का ग्रुप एक ज्वाइन करो, ठीक है। अगर आपको मोटोब्लॉग करने जस्ट निकलना है बाइक पे, ये दूसरा पॉइंट है, अगर आपको मोटोब्लॉग करने जस्ट निकलना है बाइक पे, बाइक उठा ली, निकल गए, कुछ भी बोले, टॉपिक के बाहर से बातें करती रही कि आज घर पर खाना बना था, ये सब नहीं चलेगा, कोई नहीं देखने वाला। अब आपको ना कुछ जगह पर ट्रैवल करना पड़ेगा, आपको संडे राइड रखने पड़ेगी, इवनिंग राइड्स रखने पड़ेंगी अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ कंटेंट दिखाना पड़ेगा। और जस्ट ये नहीं रहेगा यार कि आप बाइक चला रहे हो और
बोलते जा रहे हो वीडियो में, कोई नहीं देखने वाला, वो कोई एक पॉइंट तक बोर हो जाएंगे। ये चीज़ मेरे को भी अपनी वीडियोज़ में लग गई है पता, इस वजह से उन वीडियोज़ पे व्यूज़ भी बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। जैसे कि आप लेके बाइक मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, बाइक मॉडिफिकेशन करानी है, आपने टाइटल रख दिया कि इंटरसेप्टर बाइक मॉडिफिकेशन। अब उस वीडियो में पर्टिकुलरली जो मेन कंटेंट होना चाहिए वो बाइक मॉडिफिकेशन का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया उसमें, बाइक मॉडिफिकेशन दिखाई ही नहीं, तो वो फन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि कहीं यार घूमने जाओ, ठीक है, एक अच्छा सा ग्रुप बनाओ और घूमने निकलो यार इधर उधर, और बोलते जाओ यार एक फ्लो के साथ, नेचुरल जाने दो यार, जाने दो यार सब। यहाँ से आप किसी के साथ चल रहे हो, यार मेरे फ्रेंड बाइक बहुत तेज चला रहे हैं, ऐसे काफ़ी बोलते जाओ, काफ़ी चीज़ें बन जाती है, एक अच्छा व्लॉग बन जाता है। और कॉन्फिडेंस आप अपना हाई रखोगे ना तो आप बहुत अच्छा व्लॉग बना सकते हो। ठीक है, सबसे बड़ी बात है कि बाइक में ना एक टाइटल के साथ, टाइटल पहले सोच के घर से निकलो कि आज मैं इस टाइटल की वजह से घर से बाहर निकला हूँ मोटो व्लॉग के लिए। अगर जस्ट फॉर सेक आप निकल गए ना अगर बाइक पे बोलने लगे कुछ भी तो कुछ काम नहीं आने वाला, कोई नहीं देखने वाला वो। तो यार अब बारी आती है बोनस टिप की। बोनस टिप मोटो व्लॉग्स का क्या रहता है कि लोग आपकी जर्नी, सबसे बड़ी बात आती है क्यों देखें, क्यों लोग देखें कि आपने ये बाइक मॉडिफाई कराई, क्यों आप लोग देखें कि आपने कुछ भी किया। सबसे बड़ी बात आती है थंबनेल की। आप थंबनेल इतना यूनिक बनाए ना कि यार इतने कलर्स उसमें डाले ना, इतना कुछ करें ना कि लोग आपको पहले ही क्लिक कर दें। ठीक है, अगर वो क्लिक कर दिया और आपका कंटेंट उसमें बहुत अच्छा हुआ तो बहुत अच्छे व्यूज़ आ जाएंगे उस वीडियो पे। उसी तरह YouTube ज़्यादा इंप्रेशंस भेजेगा उस वीडियो पे। ठीक है, बस ये बात है एक थंबनेल बहुत अच्छा बनाए वीडियो का। थंबनेल से ना इतने अच्छे ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं ना वीडियो पे, आप लोग सोच भी नहीं सकते। थंबनेल को जस्ट फॉर ग्रांटेड मत लें, टाइटल को जस्ट फॉर ग्रांटेड मत लें। कुछ ऐसा टाइटल लिखें जिससे ना आपको लगता है कि ये टाइटल लोग सर्च करेंगे। अब जैसे कि यही वीडियो बना रहा हूँ मैं, तो मुझे ना ये नहीं कि जस्ट मैंने सेफ और सेक डाल दिया कि हाउ टू डू मोटो व्लॉग, ये कोई नहीं देखेगा। कुछ एक मेरे को ट्रिकी टाइटल सोच के डालना पड़ेगा इस पर। तो ठीक है, ये रही हमारी बोनस टिप। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में अपनी बाइक की मॉडिफिकेशन कराई थी, उसके टायर में मैंने रिम डाला था, वो आप देख सकते हैं। मैं एक इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ उस वीडियो पर भी जाके सपोर्ट करें। और इसी तरह वीडियोस के लिए रथिन व्लॉग्स के साथ बने रहें। आज ये वीडियो एक मोटो व्लॉग नहीं थी, एक सिंपल सा व्लॉग था। तो और भी एक वीडियो, अगर कॉन्टिनेंटल GT वर्सेस आपको इंटरसेप्टर 650 देखना है तो उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप जाके वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। कल मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग्स में। थैंक यू।